नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। प्रधानमंत्री महोदय तपस्या के लिए चले गए हैं। पहले जब तपस्या के लिए लोगों को जाना होता था, राजा जब 75 वर्ष से ज्यादा के हो जाते थे तो अपना राजपाट अपने जो राजकुमार होते थे उसको सौंप के जंगलों में चले जाते थे तपस्या करने के लिए, और तपस्या के लिए अकेले जाते थे। युधिष्ठिर गए तो अपने भाइयों को लेकर गए, उसके अलावा कोई भीड़ लेके राज दरबार और सुविधाएं लेकर नहीं गए। वो होती थी तपस्या और मेडिटेशन। मेडिटेशन तो मतलब एकांत साधना। एकांत के लिए सबसे जरूरी है अकेले होना। कोई जरूरी नहीं है कि आप कन्याकुमारी जाके अकेले हो। अकेले तो आपके पास इतना बड़ा बंगला है, बंगले में मोर है, घास के मैदान है, दुनिया भर के पेड़ हैं, कहीं भी बैठ के आप अकेले साधना कर सकते थे। लेकिन चुनाव है बंगाल में, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह सीटें घटती हुई नजर आ रही हैं, और ये घटती हुई सीटें पूरी करने के लिए बहुत बड़ा एक सहारा है बंगाल का। उम्मीद कर रहे हैं कि बंगाल और उड़ीसा में शायद जो ये घाटा हो रहा है ये घाटा पूरा हो जाए। तो इस बार रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी लंबी दाढ़ी नहीं बढ़ाई, वैसे कपड़े नहीं पहने, विवेकानंद का नाम इस्तेमाल करने के लिए चले गए विवेकानंद रॉक पर, और 3000 सैनिक साथ में गए। साथ में कन्याकुमारी बन गया कैमरा कुमारी। जी, कैमरा कुमारी क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जहां मोदी जी बैठे हैं एकांत साधना कर रहे हैं, अकेले साधना कर रहे हैं, वहां अगल बगल कम से कम 8-10-12 कैमरे लगे हुए हैं, और कैमरे ऑटोमेटिक तो होंगे नहीं, कैमरों के पीछे होंगे कैमरामैन। बाहर हैं 3000 सैनिक, उसके अलावा आईएएस पीसीएस जितने वहां के लोकल ऑफिसर्स होंगे सारे इकट्ठा हो गए होंगे। पर्यटकों को पूरी तरह से रोक दिया गया है, कोई पर्यटक वहां नहीं जा सकता है। मछली मारने पर रोक लगा दिया गया है, संभव है मछलियों के तैरने पर भी रोक लगा दिया गया हो, लेकिन प्रधानमंत्री को चारों तरफ से घेर के इतने सारे लोग बैठे हुए हैं तो ये साधना एकांत साधना कैसे होगी, मेडिटेशन कैसे होगा। लोग तो ये कह रहे हैं कि ये मेडिटेशन नहीं है, मीडिया अट्रैक्शन है। चुनाव प्रचार पर रोक लग चुकी है तो अब रोज वीडियो पे आने के लिए, टीवी पर 24 घंटे लाइव रहने के लिए कोई और बहाना नहीं मिला तो मेडिटेशन का बहाना कर लिया गया, जिसमें पीएम तो खामोश रहेंगे लेकिन उनका गोदी मीडिया उनके विजुअल्स दिन भर दिखाता रहेगा कि लोग समझें प्रधानमंत्री कितने धार्मिक हैं। और बंगाल वालों के यहां मैसेज आए कि देखो प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक पर गए हुए हैं। वैसे आपको याद है 2019 में प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंच गए थे, उत्तराखंड में जाकर साधना कर रहे थे, क्या शानदार तस्वीरें आई थी। पता चला कि जहां बैठे हैं वहां ऊपर से भी कैमरा लगा है, अगल से भी, बगल से भी, पीछे से भी, और नीचे से भी कैमरा लगा है। कैमरा लगा है तो लाइट तो होगी ही, और लाइट और कैमरा है तो कौन जाने एक्शन बोलने वाला कोई डायरेक्टर भी हो तो ये डायरेक्टर, लाइट, कैमरा और एडिटर के साथ कौन सा मेडिटेशन होता है, ये बात तो कोई भी समझ सकता है। इस पर तो बहस की कोई जरूरत ही नहीं है। और तपस्या को लेकर खास बात यह है कि जब तपस्या के लिए कोई जाता है तो काम, क्रोध, मोह, ये सब जो मद, ये सारी जो चीजें होती हैं वो सब यहीं छोड़कर चला जाता है। युधिष्ठिर की कहानी आपको याद होगी, महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध जीतने के बाद वो सत्ता में बैठे और उसके बाद संन्यास आश्रम में वो चले गए अपने चारों भाइयों को, पत्नी द्रौपदी को और एक कुत्ते को लेकर हिमालय की तरफ चले गए। वो लोग हिमालय पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते गए, एक एक करके भाई खत्म होते गए, हिमालय में गलते गए, सबसे अंत में युधिष्ठिर और उनका कुत्ता बचते हैं। वो कहानी आप सब लोग जानते हैं। असल में होता क्या था कि हमारे यहाँ चार आश्रमों की व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और सबसे अंत में संन्यास। तो 75 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद लोग संन्यास आश्रम में जाते थे और फिर से लौट के नहीं आते थे। राज के बारे में, बाकी सब सारी चीजों के बारे में सोचना ही छोड़ देते थे। खासतौर पर राजा जो होते थे वो अपने राजकुमार को, अपने उत्तराधिकारी को गद्दी सौंप कर संन्यास आश्रम में चले जाते थे। वैसे तो मोदी जी भी 74 साल के हो चुके हैं, अगर उनकी जो आयु लिखाई जाती है इस हिसाब से अगला वर्ष जो उनका है उसमें उनको चला जाना चाहिए संन्यास आश्रम में। इसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने यह व्यवस्था की थी कि 75 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। अब यह अलग बात है कि मोदी जी की जब बात आ रही है तो कोई कह रहा है 2029 तक, और मोदी जी कह रहे हैं 2047 तक उन्हीं का शासन रहेगा। अब किसका रहेगा किसका नहीं रहेगा वो देखने की बात है, लेकिन यहां तो सवाल यह है कि आप तपस्या करने जाने से पहले बयान देते हैं
कि अब तक मैं खामोश रहा, अगर अब मैं बोलूंगा, अगर मैंने मुंह खोल दिया तो विपक्ष के साथ पुष्ट मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। महाराज, आप सैकड़ों इंटरव्यू दे रहे हैं, दिन में चार चार भाषण दे रहे हैं, लगातार भाषण देते रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बस अगर नहीं बोलते हैं तो महंगाई, बेरोजगारी, इन सारी चीजों पर नहीं बोलते हैं। आप इंटरव्यू देते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते हैं, जाने दीजिए। इतना 10 साल से आप बोल रहे थे और 10 साल के पहले भी आप बोल रहे थे, अब भी आपका मुंह बंद है। अगर ये मुंह बंद रखना है तो जब बोलना आप शुरू करेंगे तब तो ऐसा लगता है कि सुबह 4 बजे कोई टीवी खोलेगा तो आपका भाषण आ रहा होगा, और अगले दिन 24 घंटे करके अगले दिन 4 बजे जब सुबह फिर टीवी खोलेगा तो वो आपका भाषण कंटिन्यू होगा। अगर आप इतना बोलना चाहते हैं तो आपकी क्षमता शानदार है, आप बोल सकते हैं। रहा सवाल 7 पुश्तों का, तो 7 पुश्तों के पीछे तो आपकी पूरी पार्टी, पूरा आईटी सेल पड़ा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, उनके भी दादा, उनके भी पिता, किसकी किसकी कहानियां आप 24 घंटे फैलाते रहते हैं, उससे ज्यादा आप क्या करेंगे। हाँ, जो ज्यादा करेंगे उसकी धमकी आप दे के गए हैं। आपने कहा है कि अगले 4 महीने चुनाव के बाद के जो 6 महीने होंगे, 4 जून के बाद के जो 6 महीने होंगे, उस 6 महीने में देश में बड़ा राजनैतिक भूचाल आएगा। तो वो तो हमको भी पता है, आप सत्ता में आए तो भी भूचाल आएगा, और अगर आप सत्ता से गए तो भी भूचाल आएगा। अब जब आपने इतनी खलबली मचा ही दी है पिछले 10 सालों में, तो भूचाल आने से कौन रोक सकता है? भूचाल आएगा, कुछ मकान गिरेंगे, कुछ महल गिरेंगे, कुछ लोग दबेंगे, कुछ लोग रईस बनेंगे, लेकिन आप तो प्रधानमंत्री हैं लोकतंत्र के, आपका काम भूचाल को रोकना था, भूचाल लाना नहीं था। और इतना सारा लोभ मोह पाल कर आप चले गए तपस्या करने, आप चले गए मेडिटेशन करने। दक्षिण भारत के सबसे सुदूर कोने पर हालत यह है कि गर्मी के मारे बिहार में लोग मर रहे हैं, बिहार में आपकी कोएलिशन सरकार है, और वहां से खबर आ रही है कि स्कूल जबरदस्ती खोल के रखे गए हैं, जिसके चलते टीचर्स और बच्चों की मौत हो रही है। ऐसे ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जिनको देख के घबराहट हो रही है, लेकिन आप चले गए। वैसे मेडिटेशन तो आप पहले कर चुके हैं, जब 4 महीने से मणिपुर जल रहा था, 6 महीने से जल रहा था, 8 महीने जला, अब भी जल रहा है, तो आपने मौन व्रत ही तो धारण किया है प्रधानमंत्री महोदय। महंगाई जब आसमान छू रही है तो आप महंगाई का मौन नहीं बोलते हैं, मंगलसूत्र बोलते हैं, तो महंगाई पर आपने मौन व्रत ही तो धारण किया हुआ है। बेरोजगारी इस देश में इतनी बढ़ रही है, बेरोजगारी पर भी आपने मौन व्रत धारण किया है, और जो आपके पार्टी के लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं उन पर भी तो आपने मौन व्रत धारण कर लिया। जैसे प्रज्ञा ठाकुर को आपने कहा था दिल से माफ नहीं कर पाएंगे, फिर 5 साल इंतजार किया, इस बार टिकट नहीं दिया क्योंकि जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर भी तो आपने मौन व्रत धारण किया था। जब भी देश का कोई बड़ा मुद्दा आता है तो आप मौन व्रत धारण कर लेते हैं। आपके अपने गुजरात में मोरबी का पुल गिर गया, 150 के आसपास लोग मर गए, आपने मौन व्रत रखा। आपके अपने गुजरात में राजकोट में इतनी बड़ी घटना हुई, 35 लोग जलकर मर गए जिसमें बच्चे भी शामिल थे, आपने मौन व्रत रखा। हाथरस में एक बेटी के साथ इतना कुछ हुआ, आपने मौन व्रत रखा। मणिपुर मैंने बताया, आपने मौन व्रत रखा। हाँ, पंजाब में आप गए, 4 लोग सड़क पे आ गए, तो आपने कह दिया कि पंजाब के मुख्यमंत्री से कहना थैंक यू, मैं आपकी वजह से जिंदा बचकर चला आया। मतलब जरा सा जहां विरोध होता है वहां आपकी जान को खतरा हो जाता है। पंजाब में सभा करने जाते हैं, किसानों को वहां पहुंचने नहीं दिया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसानों के ऊपर आपको अपना मौन व्रत तोड़ना पड़े। वैसे ममता जी ने एक बड़ा सुंदर बयान दिया आपकी तपस्या पर। उन्होंने कहा कि आप तो भगवान हैं, आपने खुद कहा है भगवान है, हम भी मान लेते हैं भगवान। अब किसी मंदिर में बैठ जाइए, आपको सुबह शाम भोग लगाया जाएगा, सारी सुविधाएं दी जाएंगी, देश को उसके हाल पे छोड़ दीजिए, हमें बख्श दीजिए, ये काफी है। और अखिलेश यादव ने कहा कि इसका समय तो 5-7 साल पहले था, अब तो 4 जून आने वाला है, सरकार जाने वाली है, तो आपके पास पूरा टाइम रहेगा मेडिटेशन के लिए। अब वो लोग विपक्ष के नेता हैं, वो तो कह सकते हैं, मैं तो कोई नजूमी हूं नहीं जो मैं कहूंगा 4 तारीख को आपकी सरकार जा रही है या दोबारा आ रही है। लेकिन एक सवाल तो उठता है कि अगर दोबारा सरकार आने को लेकर आप इतना कॉन्फिडेंट हैं तो रिजल्ट आने से पहले ही इतने अधिकारियों को क्यों बदला जा रहा है?
ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स को, सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स को, आर्मी चीफ को, डीआरडीओ के हेड को, इन सारे लोगों को बदलने या एक्सटेंशन देने के पीछे क्या है? अगर 4 जून को आपकी सरकार आ रही है, 10 तारीख तक सरकार बन जाएगी, उसके बाद एक्सटेंशन दे देते, तो लग तो यही रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर डर बैठ गया है कि इस बार सरकार आपकी नहीं आने वाली है। बाकी जगह छोड़िए, बनारस में हल्ला मचा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप बनारस हार जाएंगे, हालांकि हमारे साथ इंटरव्यू में जो आपके प्रतिद्वंदी हैं अजय शर्मा, उन्होंने तो कहा कि वो बनारस जीत जाएंगे, लेकिन जो चुनाव लड़ता है वो तो कहता ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप बनारस हार रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपने वहां गवर्नर लगा दिए, अमित शाह जी वहां पर टिके हुए हैं, जाने कितने मंत्री संतरी टिके हुए हैं। जिस सीट पर आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, उस सीट के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत क्यों पड़ रही है प्रधानमंत्री जी? वो सीट तो आपको बैठे बिठाए जीत जानी चाहिए थी। वैसे इन दिनों स्मृति ईरानी ने मौन व्रत ले लिया है, वो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सबसे ज्यादा जिनके वीडियोस वायरल होते रहते हैं, वो स्मृति ईरानी मौन व्रत लेकर बैठ गई हैं चुनाव के बाद। चुनाव के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में सबको धन्यवाद दिया जो लोग उनके लिए प्रचार करने आए थे, आपको नहीं दिया। उसके बाद ट्रॉलिंग हुई तो अलग से आपको धन्यवाद दे दिया, उसके बाद खामोश हो गई। आखिर स्मृति ईरानी के मौन व्रत जाने के पीछे कारण क्या है? और देखिए क्या हालत है, अब फर्जी लोग ट्वीट चलाने लगे हैं, फर्जी खबर चलाने लगे हैं कि कंगना रनावत भी कन्याकुमारी जा रही हैं। भाई कंगना रनावत कन्याकुमारी नहीं जा रही हैं, वो अंडमान जा चुकी हैं, सावरकर जी के सेल में बैठकर सारी बातें कर चुकी हैं, और अब तो योगी जी उनको मीरा घोषित कर चुके हैं। और जाहिर है कि वो अगर मीरा हैं तो उनके देवता तो मोदी जी ही हो सकते हैं, वो कई बार कह चुकी हैं मोदी जी भगवान हैं। तो मीरा कभी देवता के पास नहीं जाती थी, वो जहां थी वहीं से साधना करती थी। मंडी का चुनाव फंसा हुआ है, विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो मंडी छोड़ के हिलेंगे। इस तरह के फेक न्यूज नहीं फैलानी चाहिए। अब देखिए हमारे यहाँ का विपक्ष बेचारा पत्र पक्ष हो गया है, लगातार पत्र भेजता रहता है चुनाव आयोग को। मोदी जी के तपस्या पर जाने पर भी ढेर सारे पत्र लिख दिए गए, सीपीएम ने लिख दिया, जयराम रमेश ने लिख दिया, इन सारे लोगों ने लिख दिया कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। अब इन बेचारों को कौन समझाए कि चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग मोदी जी के 3 बंदर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी से जुड़ी हुई बुरी बात न देखता है, न सुनता है, और ना ही उस पर कोई रिएक्शन देता है। तो मोदी जी का जो ये मीडिया अट्रैक्शन, सॉरी मेडिएशन का पूरा खेल है, वो ऐसे ही चलता रहेगा। सवाल ये है कि हमारे देश की जनता टीवी प्रोग्राम देख देख कर, टीवी पर उनको देख देख कर, उनका अलग अलग रूप रंग देख कर, अगर आज भी खुश है तो सब बहुत अच्छा है, सब चंगा है। और अगर ये नाटक उसकी समझ में आने लगा है तो 4 तारीख को खेल पलट भी सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।